हमारी रोहिणी दीदी कब आई है छपरा में इलेक्शन के पहले, बताएं बताएं कब आई है। परिवार का कंपनी है, टिकट मिल गया, लड़ने आ गई। जो रोजगार को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मंदिर मस्जिद के झांसे में ना आएंगे। मोदी सरकार एकदम फुल मेजोरिटी में आएगा और 400 पार होगा। रोजी और रोजगार पे हम बटन दबाएंगे ताकि 5 किलो के राशन के लाइन में न लगना पड़े। लालू यादव जो है अपने परिवार को ही देखते हैं, जब अपनी पतोह के नहीं रख पाए वो अपने देश को क्या रखेंगे, अपने जिला को क्या रखेंगे। सांसद जो है राजीव प्रताप रूढ़ी, वो हमारे लिए उचित नहीं है। केवल मोदी के नाम पे उनको हम लोग वोट दे। जंगराज पहले भी था और आज भी है, अंतर सिर्फ इतना है कि पहले अपराधी लूटते थे और आज अधिकारी लूट रहे हैं। पहले सिलेंडर के लिए काफी लंबा लाइन लगता था, अब घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है। मोदी जी जब से आए हैं आपका विकास दर गिर गया है, रुपया कमजोर होते चला जा रहा है। डबल इंजन की जो सरकार बनी है, जो नीतीश बाबू आए मोदी जी आए, रोड सब चकाचक है। रेलवे में इतनी डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनें चल रही है। मोदी जी का पहले सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं होता था सर्जिकल, बहुत बार हुआ है। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार के बादशाह को स्पॉन्सर किया है आस्था लोक हॉस्पिटल पटना और पीआरवी मसाले पटना ने। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार का बादशाह, और कैपिटल टीम बिहार का बादशाह की टीम सारण जिले में मौजूद है इस वक्त, और हम लोग हैं नेवाजी टोला में, जहां आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे ही लोग उपस्थित हैं आज हमसे चर्चा करने के लिए। और चर्चा होगी कि भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, या भारत में लोकतंत्र का खतरा है, या क्या माहौल है, क्यों विपक्षी बार बार हमलावर हो रहे हैं, तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी जब सारण आते हैं तो कैसा माहौल बनाते हैं, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सर से, क्या माहौल है अभी? विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमला है, क्या मानते हैं? ये तो बात दम असत्य कह रहे हैं। मोदी जी जब से आए हैं आपका विकास दर गिर गया है, रुपया कमजोर होते चला जा रहा है, आज चुपचाप प्लानिंग के साथ बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान। अच्छा, चुपचाप गुप्त प्लानिंग, क्या किसको बताएंगे? ये आम जनता सब देख रहा है। पठानकोट में इनके राज्य में हमला हुआ, जांच कराने के लिए खुद में जांच करके उसको दोषी नहीं दिए, खुद में वो पाकिस्तान के एजेंसी बुला कर अपना घर में जांच कराए। वो कहा कि आपका सारी षड्यंत्र है, 400 KG RDX पकड़ाया जम्मू कश्मीर में, अभी तक कोई आता न पता कि कैसे आया 400। उसका बदला तो ले लिए सर्जिकल स्ट्राइक का? नहीं, नहीं, आप नहीं मानते हैं षड्यंत्र, वो राजनैतिक षड्यंत्र था। सर्जिकल स्ट्राइक को आपको नहीं मानते हैं आप? हम राजनैतिक षड्यंत्र उसको मानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जो सही मुद्दा है, मौन भड़काने के लिए। धर्म जो सबसे समाज में कमजोर व्यक्ति होता है वो धर्म का आस्था लेकर चलता है। आपको भारतीय सेना पर, आप ये बात कह रहे हैं भारतीय सेना पर यकीन नहीं है, चलिए प्रधानमंत्री की बात छोड़ दें, भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है पठानकोट, सॉरी वहाँ POK में जाकर, आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते? हम मान रहे हैं पाकिस्तान। तो फिर बात धोखा कहाँ हो गई? वहाँ धोखा किए हैं RDX, वहाँ जो गुजरात में कैंडा मोरबी ब्रिज हादसा हुआ, आज तक कोई दोषी को बचाते रहे, जो इसका इनका जो कंपनी है उसका टेंडर था, दोषी को कोई भी अपना सगे भाई हो तो दोषी को सजा होना चाहिए, तो उससे बचते नजर आ रहा है। एक तरीपार को इनका 75 साल का एजेंडा था कि BJP में कोई भी 75 साल का होगा उसको रिटायरमेंट लिया जाएगा, यहाँ इन्हीं का कथनी और करनी में फर्क हो रहा है। ये बताए भाजपा के लोग कि 75 साल मोदी जी अगले बार हो जा रहे हैं, अगले वर्ष में पूरा कर ले रहे हैं, तो फिर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा भाजपा के तरफ से? आपके हिसाब से महागठबंधन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? हमारे कार्यप्रणाली है, यहाँ जो MP चुनेगा, 4 में भी इंडिया UPA गठबंधन था तो मनमोहन सिंह का उस टाइम जीत कर आए तो चुना गया, तो उससे सर्वोपरि केजरीवाल जी भी है,
बहुजन 27 पार्टी में किसमें से ऐसा कोई आपको क्या लगता है, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? वहाँ जनमत चुनेगा, इसमें जो एमपी जीत कर जाएंगे वो निर्णय करेंगे कि सर्व नरेंद्र मोदी को कौन चुना था, जनता ने चुनी थी, वो पार्टी उनको आगे किया था, तो इस बार बताए कि तो उन्हीं का एजेंडा था ना कि 75 उसमें भी तो पार्टी आगे करेगी। मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी का भविष्य खा गए, जो भाजपा को पटरी पर लाए थे वो लोग, तो 75 विरोध विरोध एक तरफ है लेकिन कंफ्यूजन जब हो तो सवाल बनता है, क्या लगता है जो बोल रहे हैं भाई साहब उसमें सर, कितनी सच्चाई लग रही है? जिसको आदत हो गया है जंगल राज में रहने की वो जंगल में ही रहेगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा यहाँ पे होटल है। नाम क्या है हुआ आपका? मेरा नाम आकाश सिंह हुआ। जंगल राज की आपने बात कही, जंगल राज आपने देखा है? नहीं देखा है ना, सुना है, सुन के जब वहाँ कांप जाता है सर, तो अगर देखते तो फिर क्या हाल होता? जो एजुकेशन प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, अभी भैया जो बात कर रहे हैं, अगर उस टाइम हम लोग पैदा होते तो ठीक उसी तरह बात करते, ठीक वैसे ही बात करते कि इंडिया गठबंधन को जिताइए, 36 आदमी को एक जगह लड़ाइए, उसमें जो लड़ के अपना माथा फोड़ के सबसे ऊपर खड़ा होगा उसको हम लोग पीएम बनाएंगे। यहाँ पे चेहरा दिख रहा है कि आपको इनको वोट देना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे सांसद जो है ना वो सर्वोत्तम है, नहीं है। अब सिंगापुर सर्वोत्तम है कि नहीं है? नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है, नहीं है। मोदी के नाम पे उनको वोट दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे जो विश्वास मोदी पर है, सांसद जो है राजीव प्रताप रूढ़ी वो हमारे लिए उचित नहीं है। केवल मोदी के नाम पे उनको हम लोग वोट दे रहे हैं। कल अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनते हैं। सपोज कल अगर मोदी जी नहीं रहते हैं केंद्र में तो ये नहीं रहेंगे। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि कल ये नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर मोदी पर विश्वास बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देश मोदी के प्रधानमंत्री बनने से मजबूत हुआ, कमजोर हुआ, क्या मानते हैं? बहुत मजबूत हुआ है। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि सेना पर भरोसा नहीं है, सेना पे भाई साहब आप ये मानते हैं कि 26/11 में जो हमला हुआ था कांग्रेस ने कराया था, ये मान सकते हैं कि कांग्रेस उसमें हाथ था उसका? मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? अच्छा हाँ बताइए, उस समय कांग्रेस का शासन था ना 26/11 में, कौन लाया था, कौन घुसाया था पाकिस्तान में? आए दिन कहीं कहीं बम फटते थे, हमला होता था। आ जो बोल रहे हैं सुनिए, कांग्रेस सवाल, सवाल है, सवाल है, सवाल है, हम जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस ने 26/11 26/11 का जांच हुआ था जिसमें कि एकदम क्लीन चिट था, उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था, घुसपैठिया घुसपैठ किया था। एक मिनट कहने का मौका दीजिए। और आज भी घुसपैठिया घुसते हैं, लेकिन जो मीडिया का जो लोग हैं, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं, और जो नहीं दिखाना चाहिए वो प्रसारित किया जा रहा है। उस समय सर्जिकल स्ट्राइक आप भी नहीं मानते? नहीं नहीं, हुआ होगा कि मोदी जी के पहले, एक मिनट मोदी जी के पहले सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं होता था? नहीं होता था सर्जिकल, बहुत बार हुआ है। आपके घर में यदि कोई सेना होगा तो आप उससे पूछिएगा, मेरे दादाजी सेना में थे और मेरे दादाजी खुद इसके गवाह है कि हम लोग जो मीडिया में नहीं छपती थी इस बात को, क्योंकि हम लोग का जो अदर कंट्री जो है वहाँ पे हम लोग अपना प्रतिष्ठा को थोड़ा सा और ऊंचा करते रहते थे, ये एक अंदरूनी बात है। तो प्रतिष्ठा की आपने बात की, तो मुझे एक बात बताइए, जब प्रतिष्ठा की आप बात करते हैं तो अगर हमने ये कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी तरफ से सर्जी, तो लोगों को एक संदेश गया ना, क्योंकि बार बार तो हमले हो रहे थे भारत पे, तो एक संदेश तो गया। इस बात को मान, इस बात को हम बहुत बढ़िया से, सही हुआ कि गलत? नहीं, अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक तो होना चाहिए, रोज होना चाहिए, उसको काट काट रोज होना, हाँ रोज होना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये संविधान की बात बता रहे हैं, देश में आपातकालीन किस कारण से लगा था, क्यों लगा था, आप थोड़ा बता दीजिए। संविधान का दुहाई दे रहे हैं कि मोदी संविधान खत्म कर देगा, क्यों लगा था, लगा क्यों था? अरे इमरजेंसी, इन्होंने जेल में बंद करके रखा है, ईडी का नया कानून और षड्यंत्र 2.5 साल में। भाई ईडी कैसे, उससे तो निकल आए हैं, बेल पर बाहर है। अब बेल पर बाहर है तो अंदर किया है, तक सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। अरे कैमरे से थोड़ा सा, एक मिनट अगर नरेंद्र मोदी जो है उनको बंद करके ही रखना होता तो फिर निकालते क्यों? नहीं है, सुप्रीम कोर्ट निकाला है, ईडी, फिर ईडी का रोल कहाँ? ईडी का रोल है, पहले कांग्रेस यूपीए टाइम में आरोप साबित होता था तो आपको सजाएं होती थी, इसमें आरोप अब आपको साबित करना है कि निर्दोष, पहले आप जेल में डाल दिया जा रहा है। ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बना, सब विरोधियों पर दुरुपयोग किया जा रहा है, हार का ही हताशा है, जैसे लालू यादव का यूनिवर्सिटी, लालू यहाँ जैसे महागठबंधन का कार्य इन लोगों का दिखता नहीं है।
इन लोगों का विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय लालू प्रसाद यादव ने दिया, दो रेलवे फैक्ट्री लालू यादव ने दिया। अब मोदी का जबकि कार्यकाल में 19 में लोग 40 में 39 सीट दिया। बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं। माननीय मोदी जी का कहना है कि लालू जी ने क्या किए छपरा रेल के लिए, क्या किए, वो आए उसके बाद क्या यूनिवर्सिटी का निर्माण किए, केवल निर्माण किए, उसके बाद उसका स्थापना कौन किया, माननीय मोदी जी ने ही किए। ठीक है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कहना है कि हाँ वो जमीनी नेता नहीं है, वो हवाई जहाज में उड़ते हैं, लोगों का कहना है, लेकिन ये नहीं है कि हवाई जहाज में उड़ते हैं, ये नहीं है। लेकिन आज जब यहाँ पे जब क्या लगा था लॉकडाउन, उसमें अनाज किसने दिया, गरीबों को अनाज किसने दिया, मिस्टर मोदी जी ने ही दिए। क्या भूखे इंसान मर जाते, क्या कांग्रेस ने क्या किया, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्या बोले बताइए, क्या पूछिएगा। प्रधानमंत्री के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ के लोग कि काम नहीं किए हैं, सिर्फ हवाबाजी करते हैं। हवा उतना तो हम नहीं बता सकते हैं सर, हमको सिर नीचे का स्तर देखना है। क्या देखना, मोदी जी के बारे में हम नहीं कुछ जानते हैं, नहीं क्या देखना है। अभी एक एक भाई साहब, आपकी उम्र तो करीब 50-55 होगी। जी जी, एक भाई साहब बोल रहे थे कि आज से 20 बरस पहले 30 बरस पहले जो जंगल राज था, सही है था गलत था। जंगल राज सब लोग तो उसी राज में था, जंगल हो या मंगल हो, आप क्या मानते हैं। ना जो गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। उनको कहा जाएगा कि उनका कौवा कान ले गया था। जंगल राज जो है, जंगल राज पहले भी था और आज भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले अपराधी लूटते थे और आज अधिकारी लूट रहे हैं। अच्छा एक मिनट, जंगल राज पहले भी था आज भी है, पहले भी था और आज भी है, तो समर्थन किसको जाएगा। समर्थन आपको जानना चाहते हैं कि चुनावी मुद्दा क्या है जनता, बोलिए बोलिए। जनता का चुनावी ये मुद्दा है कि आपकी बार हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं, जो रोजगार को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मंदिर मस्जिद के झांसे में ना आएंगे। देखिए रोजी और रोजगार पे हम बटन दबाएंगे ताकि 5 किलो के राशन के लाइन में ना लगना पड़े। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल आपसे। देखिए मैं बहुत जगह गया हूँ, सब लोगों ने कहा कि हम रोजगार पे देंगे वोट देंगे, सही बात है, देना भी चाहिए जो विकास करेगा। लेकिन अब एक बात बताइए, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, आप चुनाव, एक मिनट, आप जो वोट करिएगा किसके चेहरे पर करिएगा, कौन एक चेहरा होगा जो जिस पर विश्वास है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता को अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री चुनने का, जनता अपना सांसद चुनती है और जिसका सांसद का बहुमत ज्यादा होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। आपका सवाल गलत है। ठीक, सवाल मेरा गलत हो सकता है, आप कह रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, तो 27 पार्टियों में आपको क्या लगता है, जनता को तो लगता होगा ना। भारत में पहले भी गठबंधन का सरकार रहा हुआ है, अब बहुत अच्छा एक चेहरा कोई तो बताइए। अटल बिहारी के समय भी गठबंधन का सरकार बना था और पूरा दुनिया के विरोध के बावजूद भी उन्होंने परमाणु परीक्षण करके दिखाया है और देश में जितना भी विकास। परमाणु परीक्षण कौन किया, अटल जी के समय में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था, जो सही है। भाजपा की सरकार थी ना। जी बिल्कुल, भाजपा की सरकार थी, किया है तो कहा जाएगा। बिल्कुल, तो वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे, वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपके पास 27 पार्टी का महागठबंधन है, आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, जब 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 राहुल गांधी तेजस्वी यादव जैसे लोगों का नाम आता अगर है। आप ये सुनना चाहते हैं कि आपका मत क्या है राहुल गांधी और मोदी जी में बेस्ट के है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर तरह से राहुल गांधी उनसे बेस्ट है। राहुल गांधी बेस्ट बता रहे भैया, बताइए बेस्ट नहीं भैया, क्या कहे, राहुल गांधी बेस्ट है, बेस्ट रहता तो आज का बहुत कुछ हो भी करता। क्या बहुत कुछ होता है, मतलब निर्भया हत्याकांड चाहे और भी कोई भी चीज है, फांसी की सजा किसने दी, मोदी जी का ही देन था। निर्भया हत्याकांड में 4 लोगों की फांसी की सजा किसने दी, मोदी जी ने ही दी, क्या कांग्रेस ने दी थी। बोल रहे हैं कि नौकरी चाहिए, भूखे मर रहा है लोग, उनको अनाज नहीं चाहिए, वो लोग खाने के लिए नहीं है, है? ना लाइन लाइन लगा के ले रहा है, कौन से कोटा, कौन से, एक सेकंड कौन से कोटा में लाइन लगा हुआ है, तो हमको एक बार दिखा दीजिए ना। आप फ्री में अनाज घोटा था तो बढ़िया नहीं खेला। पहले सिलेंडर के लिए काफी लंबा लाइन लगता था, अब घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है,
पहले देश में सुने कि पाइपलाइन की भी पाइपलाइन की भी है। देश के आधी आबादी पहले चूल्हा में ये लकड़ी पे खाना बन रहा था, आज के दिन हर घर सिलेंडर हो गया, बहुत औरतों का आराम हो गया। पहले यहीं हम लोग ये तो बोल रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ से भेल्दी ये मकेर जाते थे, ये मढ़ौड़ा जाते थे, इधर दिघवाड़ा जाते थे, दो दो घंटा तीन तीन घंटा रोड में जाने में टाइम लगता, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा रहता था। आज जो ये डबल इंजन की जो सरकार बनी है, जो नीतीश बाबू आए, मोदी जी आए, रोड सब चकाचक है, रेलवे में इतनी डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनें चल रही है, इतने अच्छे देश के डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये गांधी सेतु पहले दिन भर में आदमी टपता था, एक वो पुल था, आज चार चार पुल बन रहा है, चारों तरफ विकास का बिहार बह रहा है। हमारे यहाँ जो रोहिणी दीदी आई हैं, इलेक्शन के पहले कब छपड़ा में आई हैं, सारण में आई हैं, किसी को मालूम नहीं है, किसी को हवा हवाई हमारे नेता को लोग बोल रहा है। हमारी रोहिणी दीदी कब आई हैं छपड़ा में इलेक्शन के पहले, बताएं बताएं कब आई हैं, वो पहले यहाँ आई ही नहीं है। परिवार का कंपनी है, टिकट मिल गया, लड़ने आ गई, किसी में कहीं किसी गांव में कभी भी आई हो, बताएं बताएं कब आई हैं। परिवार का आरोप लग रहा है, सही परिवार सही लग रहा है। लालू यादव जो हैं अपने परिवार को ही देखते हैं, जब अपनी पतोह के नहीं रख पाए वो अपने देश को क्या रखेंगे, अपने जिला को क्या रखेंगे, नहीं रख पाएंगे। जब अपनी पतोह एक नहीं रही तो परिवार के किसको रखेंगे। समझी भी टूट के भाजपा, समझी भी भाग गए, कल उनकी पतोह भी बोल रही थी कि जब अपने पतोह को नहीं रखे वो किसको रखेंगे, किसी को नहीं रखेंगे। स्टेज पे कल उनके लड़का एक एक अपने ही कार्यकर्ता को मरने लगे, धकेल दिया गिर गया। उसके बाद स्टेज से उसको निकाल के जब तक बाहर फेंके नहीं तब तक वो माने नहीं। सब लोग उनको मनाता रह गया, उनकी मदर मनाती रह गई, उनकी बहन मनाती रह गई, किसी की बात नहीं माने। वो पत्नी पर बोले, निजी परिवार पर हमला किए। मोदी जी अपना निजी परिवार पे तो मोदी जी पे भी बोला जाता है। मोदी जी आज तक अभी तक उतना ढकोसला प्रधानमंत्री देश का कभी, ये दुर्भाग्य है, ये गर्व का बात नहीं है। 5 किलो अनाज लेना, वो 20 करोड़ गरीबों की संख्या थे, आज इनके लिस्ट में हो गया है वो 80 करोड़। ये गर्व की बात नहीं है, ये दुख की बात। जो अनाज लिया है चश्मा पर गया है, आंखों के पट्टी पर जो भी। तो आपके कांग्रेस सरकार में कहां अनाज मिलता था? अनाज मिलता था, मिलता था, पांच केजी मिलता था, ऐसा लगता था, गरीबों की संख्या कम थी, रुपया मजबूत था, आज रुपया कमजोर हो गया है मोदी कार्यकाल में। हमारे यहाँ बिजली आना खबर लगता था कि आज बिजली आई, इतने घंटे रही, रात में आएगी कि नहीं, दिन में आएगी कि नहीं। आज 2400 घंटा बिजली में हम लोग रह रहे हैं। कहाँ था आज से 15 साल पहले बिजली, 10 साल पहले कहाँ था बिजली, कहाँ था। आज चौतरफा डेवलपमेंट, आज छपड़ा में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 3 जिला का लोग सुविधा उठाएगा, पहले क्यों नहीं सब सुविधा आया। इतना मेडिकल कॉलेज, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना IIT, इतना एम्स खुल रहा है, इतना सीट बढ़ाया जा रहा है, किस लिए बढ़ाया जा, जनता के लिए ही ना बढ़ाया जा रहा है। चौतरफा बिहार बह रहा है ये डेवलपमेंट का। मोदी जी आज दुनिया में जाइए तो कोई बड़े बड़े देश के लोग कोई पैर छू रहा है, कोई गले मिल रहा है, आज तक हम लोगों की इतना इज्जत तक नहीं मिल रहा था। पहले विदेशों में भी जाके हम लोग का काफ़ी नाम ये हो रहा है। पहले देश में अमेरिका से लोग डर रहे थे, आज अमेरिका अपने भारत से डर रहा है। भारत का किसी देश का प्रधानमंत्री हो या जो भी नेता हो, भारत के नाम से डरता है। बात जहाँ 5 किलो अनाज का है, जैसे भाई बोल रहे हैं हमारे कि हमको नहीं चाहिए, कल से ही लोग छोड़ना शुरू करे ना, नहीं उठाए लोग तब ना माने। सब लोग अनाज ले रहा है, सब लोग हर सुविधा ले रहा है, हर लोग 5 लाख का, 5 लाख का मेडिकल आयुष्मान कार्ड मिला, क्यों नहीं आज तक आयुष्मान कार्ड मिला था। सब मोदी जी ला रहे हैं आपके देश में, गरीब से गरीब आदमी का इलाज में कर्जा हो जाता है, जमीन घर बिक जाता है, वो आज अपना आयुष्मान कार्ड से बहुत बढ़िया तरीके से इलाज करा रहा है, हर जगह सुविधा बढ़ रहा है। अब आयुष्मान कार्ड के जवाब दे रहे हैं, अनलिमिटेड है, 5 लाख पे फक्र कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन और रिलायंस का अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अनलिमिटेड इलाज फ्री दे रहा है, वो सुविधा सभी गरीबों को, अमीर और गरीबों को, ये शेरनी बातें है। जिसका रूम होगा उसको नहीं मिलेगा, एसी होगा। जी जी, आप कह रहे थे कि अनाज फ्री देने पर गरीबी बढ़ जा रही है, जब ये जो फ्री का इलाज होगा
चाहे वो भाजपा करे चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो, क्या वो आम जनता पे नहीं पड़ेगा? अरे तो ऐसा सरकारी व्यवस्था करे ना, मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये हम लोग को चाहिए। शिक्षा जो है हम लोग को हायर लेवल तक मुफ्त में चाहिए और स्वास्थ्य हायर लेवल तक हम लोग को मुफ्त में चाहिए। फ्री का जहाँ तक सवाल है, जो हो तो 5 किलो, जो 5 किलो राशन जो है इंसान को, किसी को अगर खाना दिया जाता है तो मानसिक अपाहिज होता है, अनाज फ्री में मिलने में मानसिक अपाहिज। सर इनको लग रहा है कि 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं ना तो बहुत गरीबी हो रहा है भारत में, लेकिन चारा घोटाला सब कोई खा गया उसमें गरीबी नहीं आएगा। हाँ, गाय का चारा खा गए, भैंस का चारा खा गए, उसमें इनका विकास दिख रहा है। यूपीए के 10 साल में 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है और आज चल के देखिए यहीं पे एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछ रहा है, रेलवे का डेवलपमेंट और हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही है, हर तरह से सुविधा बढ़ाया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास का सुविधा बढ़ाया जा रहा है। मोदी सरकार एकदम फुल मेजोरिटी में आएगा और 400 पार होगा। चलिए हम लोगों से बात कर चुके हैं, काफी देर हो गई है, अब इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं क्योंकि लंबा खिंच गया कार्यक्रम। आपको देखिए यहाँ पर जो सारण के लोग हैं उनका मानना है कि एक तरफ जहाँ पे महागठबंधन के लोगों को मौका मिला, उन लोगों ने भी जो कार्य किया वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक क्वेश्चन मार्क है कि जंगल रास्ता, और अभी जो कुछ लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट लोग बता रहे हैं। अब ये कितनी सच्चाई है, कौन किस तरफ जाता है, ये तभी पता चलेगा जब 4 जून को ईवीएम मशीन खुलेगा, काउंटिंग होगी और उससे जो जिन बाहर निकलेगा वो बताएगा कि असल में यहाँ से सांसद कौन बन के जाएगा और प्रधानमंत्री भारत देश का कौन होगा। बने रहे कैपिटल टीवी के साथ, हमारे खबरों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ, कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी सारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्थालोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले।